हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा पुलिस एसआई का जो पेपर हुआ था कल, उसकी कट ऑफ का एनालिसिस हम करेंगे। अकॉर्डिंग टू पोस्ट कितनी है, फॉर्म कितने फिलअप हुए थे, अटेंडेंस कितनी आई है और लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी और पेपर का पैटर्न जो है वो कैसा था, कैसा लेवल था, वो सब क्वेश्चन हम इसके अंदर देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसकी कट ऑफ एनालाइज करेंगे, कितनी कट ऑफ जा सकती है। फाइनल भी बताऊंगा मैं, क्वेश्चन भी बताऊंगा कितने क्वेश्चन तक आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पोस्ट की हम बात करें तो टोटल पोस्ट थी हमारे पास 400 पोस्ट थी। ओनली मैं मेल वालों की बात कर रहा हूँ, मेल 65 पोस्ट थी वो फीमेल की थी और 400 जो है वो मेल की थी। ठीक है, मेल एसआई की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर्म लगभग 1,58,000, ये भोपाल सिंह खदरी ने बताया है, 1,58,000 के करीब करीब जो है फॉर्म भरे गए थे, 1,58,000 हम मान लेते हैं। ठीक है, और अटेंडेंस जो है मेल की अटेंडेंस जो है वो कितनी आई है, 68% अटेंडेंस आई है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है 68% का मतलब हो गया 1,00,000, लगभग 7,000 या 8,000 के करीब करीब लोगों ने पेपर दिया है, 1,07,000। ठीक है, तो इतने लोगों ने पेपर दिया है। अब इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे ही हैं, मतलब रैंडम, जिन्होंने फॉर्म भर दिए थे और देने भी चले गए हैं, क्योंकि कुछ लोग भर्ती फिलहाल हो रखे हैं, ग्रुप डी में लग रखे हैं, पुलिस में लग रखे हैं या फिर कोई और जॉब कर रहे हैं, उन्होंने भी फॉर्म भर रखा था और उन्होंने भी पेपर दिया है ये। तो इनमें से मैं कुछ 30,000 के करीब करीब मैं हटा देता हूँ, जो भीड़ है, मतलब जिनको ओनली पेपर ऐसे ही भर दिया, जिन्होंने रैंडम तरीके से कुछ भी ऐसा ही, तो लगभग 30,000 मैं माइनस कर देता हूँ, तो लगभग है 70,000। तो ये है कंपटीशन वाले बच्चे 70,000 के करीब करीब। ठीक है, तो इनमें से ही आएंगे कुछ बच्चे, 400 बच्चे लेने हैं और उनके 7 गुना जो है फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, तो 400 इंटू में 7 कितना हो गया, ये 2,800 हो गया। तो लगभग 3,000 के करीब करीब बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो लास्ट ईयर कट ऑफ की हम बात करें, लास्ट ईयर मतलब लास्ट टाइम जब भी पेपर हुआ था हमारा 2018 में हुआ था, तो तब कितनी कितनी कट ऑफ गई थी, तो वो हम बात करते हैं। देखो हमारे पास है जनरल का डाटा, हमारे पास है कितनी कट ऑफ गई थी, ये 57.6 पे गई थी जनरल की कट ऑफ, 57.6 पे ये कट ऑफ गई थी जनरल की। और ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे था नहीं हमारा, तो बीसीए की गई थी 53.8 और बीसीबी की गई थी 56.2 और हमारी एससी की गई थी 51.4। तो ये कट ऑफ हमारी लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था तब एसआई की इतनी ही पोस्ट थी, 400 ही पोस्ट थी उस टाइम भी और अब भी इतनी ही थी। ठीक है, तो ये कट ऑफ हमारी गई थी उस टाइम पे। ठीक है, और उस टाइम पे जाता क्या था कि कंपटीशन भी थोड़ा सा कम था, क्योंकि बेरोजगार बच्चे अब ज़्यादा हो गए हैं और ऊपर से फिर जो फॉर्म जो है वो भी ज़्यादा भरे गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी कट ऑफ जो है इसके आसपास या थोड़ी सी ज़्यादा ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये फाइनल कट ऑफ थी हमारी। देखो इसमें पेपर का लेवल हम बात करें, लास्ट टाइम जो पेपर था वो बच्चे बता रहे थे हार्ड लेवल था, क्योंकि इसमें एडवांस जो है कंप्यूटर और जो हमारा मैथ था वो एडवांस कंप्यूटर मैथ आ रखा था, तो उसमें दिक्कत हो रही थी। पर इस पेपर में जो अभी हुआ है 2021 के अंदर, देखो कौन कौन से सब्जेक्ट आए हैं इसके अंदर, मेनली जो क्या है, जीके है, इंडिया जीके, हरियाणा जीके है, हिंदी इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मैथ है। ठीक है, ये सारे टॉपिक थे इसके अंदर। साइंस के 3-4 क्वेश्चन थे, वो तो लगभग किसी ने कर ही दिए होंगे, नॉर्मल से क्वेश्चन थे, ऐसे कुछ एडवांस लेवल का फिजिक्स मैथ नहीं था। ठीक है, तो देखो हिंदी इंग्लिश का मिला के टोटल, हिंदी इंग्लिश के मिला के टोटल 11 क्वेश्चन थे। अब 11 में से कितने, लगभग सारे क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का जो कॉन्स्टेबल का एग्जाम हुआ था अभी, उसमें हिंदी इंग्लिश बिल्कुल कट कर दिया था, फीमेल कॉन्स्टेबल का भी उसमें भी नहीं आई थी हिंदी इंग्लिश, तो बच्चे यही सोच रहे थे कि हिंदी इंग्लिश नहीं आएगी। तो किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि एक बार एसएससी जो हटा देती है वो दोबारा नहीं देती है। एडवांस मैथ दिया था जैसे लास्ट टाइम, तो उसके बाद कभी आया नहीं है। फिर एडवांस कंप्यूटर भी दिया था, C++, वो भी नहीं आया। धाराओं के बारे में भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ पे सब लोग धारा रटे जा रहे थे, एक भी क्वेश्चन नहीं आया धारा के ऊपर। ठीक है, एक भी धारा नहीं पूछ रखी इन्होंने, वैसे भारतीय दंड संहिता के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखे थे, लेकिन धारा के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रखा था। तो हिंदी इंग्लिश के अंदर 11 क्वेश्चनों में से लगभग जैसे मान ले तुक्का भी लग गया होगा किसी के, या फिर किसी ने पहले पढ़ रखा होगा, था 6 क्वेश्चन ने, मैं मान रहा हूँ इसके अंदर 6 से 7 क्वेश्चन जो है ऑन एन एवरेज सभी ने ठीक कर दिए होंगे 6 क्वेश्चन के करीब करीब। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, प्लस अब है मैथ और रीजनिंग की बात। मैथ और रीजनिंग में इसमें लगभग क्वेश्चन थे हमारे पास 12 या 13 क्वेश्चन थे,
और उसमें से 10 क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ कि ठीक कर दिए होंगे, ठीक है। अगर किसी का मैथ वीक है तो वो जो ये क्वेश्चन मैंने 10 बताए हैं, जैसे मान ले किसी के मैथ वीक है, बिल्कुल ही वीक है, एक दो ठीक हुए होंगे, तो वो उनको फ़ायदा होगा किसमें, जीके के अंदर, उनको जीके अच्छी पढ़ी होगी, उन्होंने जीके अच्छी आती होगी, तो उसमें आप बढ़ा लेना। वैसे एवरेज जो है सेम यही रहेगा, पैटर्न क्वेश्चन में उसमें बढ़ा देना या फिर इसमें बढ़ा लेना, एक ही बात है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग में से 12 में से 10 क्वेश्चन लगभग लगभग बच्चों ने किए होंगे। हरियाणा जीके या फिर इंडिया जीके, जो मतलब सिंपल सी क्वेश्चन पूछ रखे थे इंडिया जीके के अंदर, सिंपल से क्वेश्चन, मतलब जो लगभग बच्चों ने कर दिए होंगे वो लगभग 20 से 25 के बीच में थे, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने आराम से इजीली अटेम्प्ट किए होंगे इतने क्वेश्चन, ठीक है। तो ये नंबर तो आप लोगों ने सभी के पास हैं ही हैं, मतलब ये जो 30,000 बच्चे मैंने माइनस किए थे इसमें से, वो 30,000 बच्चे जो हैं वो 40 नंबर से कम नंबर वाले थे, 40 क्वेश्चनों से 40 क्वेश्चन जिसके ठीक थे उसके कम नंबर वाले हैं 30,000 के करीब करीब बच्चे। तो अब बच गए जो 40 से 50 के बीच में जिसके क्वेश्चन ठीक हैं, वो ये वाले बच्चे हैं। देखो ये कितने हो गए, लगभग 36 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। तो ये तो 36 क्वेश्चन मैंने मोटा मोटा बताया है सिर्फ और सिर्फ। अब इसके अंदर देखो हम कंप्यूटर के भी ऐड करें, कुछ 4-5 क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिए होंगे, प्लस में जैसे किसी ने भारतीय दंड संहिता के बारे में पढ़ रखा है तो पुलिस के बारे में पढ़ लिया होगा, सेवा सुरक्षा सहयोग, कुछ एक आसान क्वेश्चन भी थे जो फीमेल कॉन्स्टेबल में भी क्वेश्चन आ रखे थे, वही क्वेश्चन यहाँ पे भी हैं, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई। देखो कब लागू, तो ये 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी, लेकिन जो बनी थी ये 1860 में बनी थी, लेकिन 1862 इसमें ऑप्शन ही नहीं था, तो मेरे ख्याल से 1860 ही आंसर होगा इसका, 1860 ही आंसर की जो आएगी उसमें पता लगेगा, 1860 ही आंसर होना चाहिए उसका, ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चन जैसे पुलिस वाले थे, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए होंगे आराम से इजीली, 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो आसान से थे पुलिस के बारे में, तो वो लगभग लगभग 5 या 6 क्वेश्चन जो है वो लगभग सभी ने अटेम्प्ट कर दिए होंगे, तो लगभग ये 42 क्वेश्चन जो है वो लगभग सभी बच्चों के ठीक है। इनमें से 70,000 बच्चे जो मैंने चूज किए हैं, इनमें से लगभग 42 क्वेश्चन सभी के ठीक है, ठीक है। अब बात आती है किसी ने, देखो मेनली इसके अंदर क्या रखा था, पॉलिटिकल साइंस आ रखी थी, हरियाणा की भी पॉलिटिकल, इंडिया की भी पॉलिटिकल, हर एक मतलब जैसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे कि कर्नाटक के सीएम के पिताजी का क्या नाम है, हमारे गृहमंत्री की जो है कैसे हैं, मतलब उनका क्या वो अनमैरिड हैं क्या फिर क्या है, ऐसे क्वेश्चन, गोवंश के जो चेयरमैन है वो कौन है, ऐसे क्वेश्चन किसी ने नहीं पढ़ रखे थे, गोवंश के चेयरमैन कौन है, तो वो क्वेश्चन तो लगभग लगभग किसी के भी ठीक नहीं होने। तो 20 से 25 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि वो किसी के भी ठीक नहीं होने, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन तो माइनस कर लो, लगभग हम मान लेते हैं 75 क्वेश्चन का ही क्वेश्चन पेपर था हमारा, 75 क्वेश्चनों का ही। अब 75 में से कितने ठीक होते हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि 75 में से सबके सारे सही हैं, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ है, जैसे माइंड में चल रहा होता है कि भाई ये क्वेश्चन ये आंसर हो सकता है ये हो सकता है, उनमें कन्फ्यूजन के मारे भी हम कुछ क्वेश्चन गलत कर देते हैं, है ना। मैथ में कोई क्वेश्चन या फिर क्या हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा बदल जाएगा, रीजनिंग का भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है उसके अकॉर्डिंग आंसर बदल जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जीके के अंदर, तो अगर एक बार ध्यान में आ गया तो ठीक है, नहीं तुक्के मारोगे तो वही गड़बड़ी होता है, ठीक है। तो ये 42 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बच्चों ने कर दिए होंगे सभी ने, अब 75 में से 42 गए माइनस किया हमने तो कितने बचते हैं, लगभग लगभग ये 33 क्वेश्चन ये बनते हैं। अब 33 क्वेश्चनों में से कितने बच्चों ने ठीक किए होंगे ये मैटर करेगा। अब तो 33 क्वेश्चनों में से मेनली तो सारे तुक्के ही मारे होंगे किसी ने, किसी को मोस्टली या फिर 5-7 क्वेश्चन किसी को पता होगा, किसी ने ज़्यादा ही पढ़ लिया होगा तो, पर उसको मैथ नहीं आती होगी, फिर ज़्यादा ही जीके पढ़ लिया होगा तो किसी ने, तो लगभग लगभग इसमें से 30 क्वेश्चन में मान रहा हूँ, तो 30 क्वेश्चनों के अंदर जो है वो लगभग तुक्को मारे हैं सभी ने। तो तुक्को की मैं जो परसेंटेज है वो बढ़ा रहा हूँ, तो 15 क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ, तो 15 क्वेश्चन मैं करूँ इसमें तो लगभग 14-15 क्वेश्चन मैं करता हूँ तो ये तो 57 ही बनते हैं, 57 क्वेश्चन, ठीक है। ऑन एन एवरेज जो है सभी बच्चों के 57-56 के आसपास सभी के ठीक मिलेंगे, ऑन एन एवरेज, ठीक है, एवरेज मैं बता रहा हूँ। तो कट ऑफ कितने जाने के चांसेस हैं, एवरेज बच्चों के जो नंबर होंगे वो 55 के आसपास मिलेंगे आपको, 55 के आसपास क्वेश्चन ठीक होंगे लगभग बच्चों के एवरेज, ठीक है। तो
जो कट ऑफ जाएगी, अब एवरेज तो बहुत ज़्यादा हो गई, अभी 70,000 का एवरेज तो बहुत कम, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो सभी बच्चों के तो ये सिलेक्शन होना नहीं है 55 क्वेश्चंस के अंदर, तो कट ऑफ कितनी जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देखो जनरल जो है, जनरल की कट ऑफ 57.6 गई थी, इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग जैसे अभी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चनों पे आएंगे कि कितने क्वेश्चन ठीक होंगे तो हम फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। देखो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर नोटिस के अंदर स्पेशली ये लिखा हुआ था कि जो 20% मार्क्स हैं, देखो 80 नंबर का तो पेपर हो गया हमारा, जो 20% मार्क हैं वो अलग मिलेंगे। अब वो किस किस को मिलते हैं और कितने परसेंट मिलते हैं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के 10% मिलते हैं और बाकी बच गया मिसलेनियस, उसके भी 10%। ठीक है, अब इन 10% में 5 नंबर तो लगभग मतलब सभी को मिले होंगे जिसके पिताजी एक्सपायर हो रखे हैं या फिर कोई भी घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो उनको 5 नंबर तो मिलेंगे। ठीक है, 5 नंबर तो सभी के हैं ही हैं, श्योर। ठीक है, और 12 नंबर जो है वो एक्सपीरियंस के मिलते हैं। एक्सपीरियंस, अब मेरे को तो नहीं लगता किसी का एक्सपीरियंस भी होगा इस चीज़ में, इसमें कहाँ एक्सपीरियंस है पुलिस का, कोई भी कोई एक्सपीरियंस बंदा क्यों हरियाणा पुलिस SI के फॉर्म भरेगा, है ना, तो इसमें तो कोई भी नहीं आएगा। 5 नंबर ये मान लिया मैंने, सभी को मिल जाएंगे। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर देखो ये लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइंस फोरेंसिक साइंस वगैरह वगैरह, और ये भी लिखा है विच टेक 4 ईयर और मोर, 4 साल से ज़्यादा की डिग्री होनी चाहिए। तो BA, BSc, BCom जो है ये 3-3 साल की डिग्री होती हैं, तो इनके नंबर मेरे ख्याल से नहीं मिलेंगे, बाकी डिपेंड करता है SSC पे, क्योंकि उन्होंने नोटिस में तो ये लिखा है 4 साल या वो या उससे ऊपर जो है जिसकी भी डिग्री चली है तो उसको मिलेंगे 4 नंबर, तो 4 नंबर वो, और 3 नंबर जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन के PG के। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ये भी बच्चे बहुत ही कम होंगे, तो ऑन एन एवरेज मैं मान लिया इसमें कुछ बच्चे होंगे कुछ नहीं होंगे, तो मैं 1-3 नंबर इसमें काउंट कर रहा हूँ, 5 नंबर ये मैं ले रहा हूँ, तो लगभग 7 नंबर मैं माइनस कर रहा हूँ इसमें से 7 नंबर, तो ये बन गया लगभग कितना हो गया 51.6। ठीक है, तो 51.6 के आसपास जो है कट ऑफ लास्ट टाइम गई थी क्वेश्चन ऑफ लास्ट टाइम, ये नंबर थे हमारे पास इतनी गई थी, तो लगभग इस बार भी कितनी जाएगी इसके आसपास ही जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल जो है इसमें इजी नहीं था, हम इजी नहीं कहेंगे पेपर को, पेपर हार्ड ही है, तो क्योंकि क्वेश्चन इसमें GK के हैं तो वो बच्चों के हार्ड नहीं लग रहे किसी को, क्योंकि GK क्वेश्चन तो सभी के एक जैसे ही होते हैं, कितना भी GK पढ़ लो वही कम है। मेनली जो है ज्योग्राफी जो रट के जा रहे थे बच्चे, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते थे SSC के अंदर, पॉलिटिकल से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार सारे के सारे क्वेश्चन ही पॉलिटिकल के घुसा रखे थे, तो जो पैटर्न फॉलो करते हैं वो तो करते ही नहीं कभी, हमेशा नया पैटर्न आता है SSC के अंदर, तो लगभग मैं मान रहा हूँ इसमें 50 हम मान रहे हैं लगभग 52 जो है 51 या 52 के आसपास जो है इसके नंबर, चलो मैं 51 ही मान लेता हूँ। ठीक है, 51 नंबर विदाउट एनी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया 51 नंबर की कट ऑफ जो है इस बार जाने की चांसेस है। ठीक है, 51 नंबर से मतलब है हमारा कितना क्वेश्चन हो गया, लगभग ये 64 क्वेश्चन जो है हो गए हमारे, तो जर्नल के 64 क्वेश्चन वाले, ठीक है 64 या इससे अबव हो सकते हैं, अबव तो जाएंगे ओबियसली, कम नहीं हो पाएंगे, 64 के आसपास ही रहेंगे या इससे ऊपर जरूर मिल सकते हैं आपको, लेकिन कम नहीं होंगे इससे। कभी कोई बच्चा है जिसके 62 बन रहे हो या 61 बन रहे हो तो वो कह रहा है भाई 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुश्किल है, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जस्ट बहुत कम बताई है वैसे मैंने तो, और 3-4 क्वेश्चन जो है और ऐड कर सकते हैं, 67 कर सकते हैं, लेकिन ये 64 के आसपास ही जाने के चांसेस हैं क्योंकि पेपर हार्ड था। ठीक है, तो ये जनरल की बात है। BCA के अंदर भी हम जैसे लगभग 54 मानते हैं, 54 या 55 नंबर, तो उसमें हम 7 नंबर माइनस करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, तो 61 क्वेश्चन जो है ठीक होंगे, तो वो कंफर्म समझे अपना फिजिकल के लिए। और BCB का भी सेम, ये 1-2 क्वेश्चन इसमें फालतू ही मिलते हैं, तो 62 या फिर EWS का है ये 61, मैं बता रहा हूँ EWS का, क्योंकि EWS इस बार डाला गया है ना, तो EWS की कट ऑफ जो है वो लगभग 61 के आसपास जाएगी, और BCA जो है उसकी कम जाएगी थोड़ी सी, तो ये मैं लगभग मान रहा हूँ मैं 59 के क्वेश्चन के आसपास, और ये है BCB की 61 या 60 के आसपास जो है EWS और BCB की लगभग सेम ही जाएगी।
एससी की मैं बात करूं तो लगभग है ये हमारी 55 क्वेश्चंस के ऊपर। तो 55 क्वेश्चन जिसके ठीक हैं वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें एससी वाले, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से कुछ है, मैंने कट ऑफ एनालिसिस किया है हमारी तरफ से, तो आई होप सभी को कुछ समझ में भी आया हुआ मैंने क्या किया क्या नहीं किया है। सारी चीज़ें मैं इसमें मैंने इसमें इंक्लूड की हैं, अटेंडेंस कितनी थी, फैक्टर क्या क्या जो है अटेंडेंस को, फैक्टर कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करेंगे वो भी मैंने इसमें बताए हैं। लास्ट ईयर की कट ऑफ भी मैंने डिस्कस की है और सोशियो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है वो भी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ जो है इतनी ही जाएगी, लगभग 64, 61, 59, 60 और 55 के करीब। तो ये क्वेश्चन जिसके भी ठीक हैं तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मैंने कम इसलिए बताए हैं क्योंकि अब किसी के कोई कट ऑफ जो है ये बता रहा हुआ भाई 70+ क्वेश्चन वाले ही सिक्योर समझें फिजिकल के लिए, ऐसे कोई यूट्यूब कहीं पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा 70+, तो वो जो है अब जिसके भी बच्चे 60 या 65 के बीच में किसी के नंबर बन रहे हैं तो वो सस्पेंस के अंदर हैं बिल्कुल ही, है ना। तो वो फिजिकल की तैयारी ज़रूर करें क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा फिजिकल तैयारी करने के लिए बाद में फिर, तो अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्या पता कट ऑफ जो है इसी के आसपास ही वेरी करें, इसके आसपास ही रहे, क्योंकि जैसा बच्चे बता रहे हैं पेपर हार्ड था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया है कि कट ऑफ हो सकती है। बाकी तो HSSC पे डिपेंड करता है कि क्या कट ऑफ वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिसके भी 60 से क्वेश्चन ऊपर हैं, 60 से अबोव जो भी अपना इंक्लूड कर रहा है, मेनली जो BC वाले हैं, EWS वाले हैं, जनरल वाले हैं, वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। और SC ST वाले जो हैं जिसके 60 से कम है या फिर 54-55 नंबर के आसपास हैं, उससे क्वेश्चन 54-55 क्वेश्चन जिसके ठीक हैं तो वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें अपनी, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये कट ऑफ एनालिसिस था, आई होप सभी को ये समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कुछ भला हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे तो फिजिकल में आप फिर रह जाओगे तो बहुत बड़ा धोखा लगेगा आपको। तो फिजिकल की तैयारी ज़रूर स्टार्ट कर दें।